Hey guys, this is Shweta Singh, or you are watching me on my YouTube channel FitFunda Shweta Singh. Guys, I'm back with another video, and today's video is very dangerous and very interesting. So, I have brought a very good workout for you. Okay, let's talk about it. But first of all, yes, if you are watching my channel and like it, then subscribe to my channel. And like and comment, please tell me how you feel my channel. और कुछ अच्छे आइडियाज भी मुझे दीजिए वर्कआउट से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड. सो गाइस, मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करती हूँ कि आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करने चाहिए, मतलब कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेस आपको अपने वर्कआउट में लेके आनी चाहिए. तो आज का जो वीडियो है वो है कंपाउंड मूवमेंट पे. हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस होंगी. पहले बता दूं कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती क्या है. कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस जब भी आप ट्रेन कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज में अगर आपकी मल्टीपल मसल्स या मल्टीपल जॉइंट्स यूज हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसे हम कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेस कहते हैं. ठीक है, कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. मेनली आपकी स्ट्रेंथ पे काम करता है. मेल के जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है. तो कंपाउंड एक्सरसाइज आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है. कितना करना चाहिए, मतलब इसके टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, तो वो मैं बता दूँ कि आपको हफ्ते में आप चाहो तो 2 से 3 बार इसे कर सकते हैं. ठीक है, आप इसका अगर आपका वर्कआउट 5 दिन का है तो डेली 1 कंपाउंड एक्सरसाइज कर लीजिए. ठीक है, और चेंज वेरिएशंस लेके आइए अपने कंपाउंड एक्सरसाइज में. तो आज के वीडियो में मैं बहुत सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, यू नो, मिलिट्री प्रेस, तो सब मैं आपको बताऊँगी. स्टे ट्यून, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा. ठीक है, एंड येस, हैवी उठाना है आपको, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है. ठीक है, तो अपना बेस्ट, मतलब अपने लिमिट से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है आज. ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते. Thank you.
गाइस मैंने वर्कआउट कर लिया है, हमने 5 कंपाउंड एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है। मैं हर एक्सरसाइज को लिख के दे दूंगी उसका नाम क्या है, एंड प्लस आप सभी के लिए मैं और मतलब हर एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज के लिए एक और अलग वीडियो बनेगा कि उसकी फॉर्म कैसे ठीक करनी है, है ना, उसका वेट्स कितना बढ़ाना है, उसका रैप्स कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, ठीक है। सो लगभग जितनी भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं मेन जो जिम में आप कर सकते हैं बारबेल के साथ डंबल्स के साथ, वो मैंने परफॉर्म की है आज, ठीक है। सो वीडियो में मैं डाल दूंगी जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी उसमें। सो गाइज ध्यान रखिएगा अपना, ईगो लिफ्टिंग मत करिएगा, ठीक है। जितना आप उठा सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज ना हो, मतलब आपकी फॉर्म गलत ना हो, उतना ही वेट उठाइए, कोशिश करिए, ध्यान रखिए अपना, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, फैमिली का भी ध्यान रखिए, और मेरे वीडियोस भी देखते रहिए, और मुझे सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। बाय बाय।